नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। हमारा आज का टॉपिक है उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जिनका पढ़ाई करने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, यानी कि जिनकी याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम बहुत ही कारगर एक उपाय लेकर आए हैं, जिससे कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों का दिमाग बहुत तेज हो सकता है, याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है और जीवन में सफलताएं अच्छी प्राप्त कर सकता है। ऐसा कौन सा उपाय है, इसके बारे में आज हम बड़े विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि अभी तक किसी भाई बहन ने हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए प्राप्त होती रहे। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, यदि किसी के जीवन में कोई भी समस्या चल रही है या कोई भी व्यक्ति अपनी हस्तक रेखा या मस्तक रेखा जन्म कुंडली दिखवाना चाहता है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेज सकता है, मैसेज कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9599252139। दोस्तों, इसी के साथ आपको उचित फीस भी जमा करनी होती है। अब मैं आता हूँ टॉपिक पर कि जिन माता पिताओं के बच्चे यानी कि बेटा और बेटी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिनका पढ़ने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, याददाश्त बहुत कमज़ोर रहती है या हो गई है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए जो महीने में चतुर्दशी आती है शुक्ल पक्ष में, उस चतुर्दशी की रात को आपको 5 गुलाब की पत्तियां लेकर आनी है और उनको चतुर्दशी की रात को 12 और 1 बजे के बीच में भोज पत्थर पर उनका रस निचोड़ लीजिए। और रस निचोड़ने के बाद जिस बच्चे का दिमाग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या हर साल हर वर्ष पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, फेल हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को गुलाब की पत्तियों का रस भोज पत्थर पर निचोड़ कर चतुर्दशी की रात को 12 और 1 के बीच में उस बच्चे को जीभ पर डाल दीजिए, यानी कि उसको चटा दीजिए। ऐसा करने से उस बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा और याददाश्त बहुत मजबूत और टिकाऊ हो जाएगी। जो भी पढ़ेगा उसे बहुत अच्छा याद रहेगा और जीवन में हर वर्ष अच्छी सफलताएं, अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेगा। दोस्तों, इसी तरीका से हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो पेश करने की कोशिश करते हैं और ये नुक्ता और ये उपाय हम बहुत ही मेहनत और संघर्ष करने के बाद महाइंद्र जाल में से लेकर आए हैं, जो बहुत ही कारगर साबित होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं और मेरी जितने भी माता बहनें हैं और जितने भी मेरे शिक्षक भाई हैं, विद्यार्थी हैं, सभी से मेरी गुजारिश है और प्रार्थना है, यदि आपको मेरी ऑडियो वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी को करता है नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।